दिस वे सर। कहाँ जा रहे हैं हम? हेलो, चित्रा है, रूम 1786782628268 प्लीज। क्या फुल है? 10 साल से? व्हाट रबिश। आई एम चित्रा नंबर 82734। आर यू टाइपिंग करेक्टली? आई एम रीडिंग राइट ओनली। हे गुप्ता, तमीज से बात करो आप मुझसे। आई एम ऑल्सो डूइंग दिस वर्क फॉर काउंटलेस ईयर्स, सो डेयर यू क्वेश्चन माई माई बैड। रूम 2786782628268। Hey, enough with the rant now. Start the shuttle. Will it be too painful? Will what be too painful? Torture? What? No. Torture kyun hoga? What makes you think so? I don't know. Sabhi ka hota hai, I guess. Who said so? Oh, your cuties and your stories. Tum sab log more or less aise hi sawal poochte ho. मैं पर्सनली किसमें बिलीव नहीं करता था। आई डिड थॉट ऐसी प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दैट्स व्हाई आई डिड व्हाट आई डिड। ओह नो 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 नो, यू एंजॉय दिस। सो देयर इज नो पनिशमेंट? पनिशमेंट फॉर व्हाट? फॉर ऑल द थिंग्स वी डू डाउन देयर। हियर वी आर। सी, दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई रिक्वेस्ट यू बेटर फॉरगेट इट। नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, आप दो और लोगों के साथ रूम शेयर करोगे, वो भी अभी अभी यहाँ आए हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, दरवाजे के टॉप राइट में एक बटन है, उसे प्रेस करना। वो लाइन सीधा हमारे हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है। यू विल गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। नाउ लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, स्टैंड असाइड फॉर अ वाइल। इस बार किसको लाया? सुनंदा नहीं है ना? नहीं है बोलो प्लीज, मैं आँख नहीं मिला पाऊंगी उससे। नहीं है माँ जी, सुनंदा नहीं है। और कितने लोग आएंगे यहाँ? बस ये लास्ट है। कार्तिक अंदर आ जाओ। कार्तिक, यह है सुहास और यह है हेमा जी। ठीक है ठीक है, दरवाजा बंद करो जल्दी, खुला है तो डबल की गर्मी अंदर आ रही है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी, या तो अंदर आओ नहीं तो बाहर जाओ। यस सर। कार्तिक, वो कबर्ड के लेफ्ट वाला सोफा तुम्हारा है, ऑलराइट? ओके, आई लीव नाउ। हैव अ ब्लास्ट यू गाइस। आप लोग भी? यस, लास्ट सैटरडे। और तू? कल नहीं, परसों, सॉरी याद नहीं। मुझे भी नहीं याद, 2-3 दिन पहले शायद। लाइफ का ये दिन याद नहीं तो क्या ही मतलब है? कैसे हुआ वो याद है? मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ था, नींद में ही अटैक आया, हार्ट अटैक। हाइब्रिड सबसे कम दर्द मुझे हुआ था, गैस सिलेंडर, 1 सेकेंड में बूम। और तुम? 15वें माले से सीधा नीचे। वाओ, अरे बाप रे, जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा ना। ओके बंद करो नाटक, क्या लग रहा है आपको? हाँ मुझे पता नहीं चल रहा है, तुम दोनों टॉर्चर करने वाले हो ना मुझे? हाँ आई एग्री कि मैंने 40-50 साल के अंकल आंटी एक्सपेक्ट नहीं की थी टॉर्चर के लिए। ना ही मैं अंकल हूँ और ना ही हम तेरा टॉर्चर करने वाले हैं, ठीक है? हम भी अभी अभी यहाँ आए। हाँ सुहास ने भी आधे से यही डाउट लिया था मुझ पे। बेटा तुम बैठ लो ना पहले। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुझे मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं मारूंगी तुझे। पता नहीं, बस इतना बता दे रहा हूँ कि इन केस अगर तुम मेरा टॉर्चर करते भी हो तो भी ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं था। ओके, आई हैव ऑलरेडी गेस्ड इट। इस कबर्ड में क्या है? ताला है इस पे? ताला नहीं है, डिजाइन है वैसी, अंदर सब खाली है। ओ, चाकू मेरे लिए होगा राइट? दिखा, पहले तो नहीं था। था है माजी, पहले से था। अच्छा, मैंने ढंग से नहीं देखा होगा। लो इसे निकाल के ऊपर रख देता हूँ, तुम लोगों की मेहनत बचेगी शायद। चाकू से तो टॉर्चर नहीं करेगा कोई। आप एक्सपीरियंस दिख रहे हैं सब में। यस, मैंने किया है ना लोगों को टॉर्चर, जो चाहिए वो पाने के लिए मैंने कितने लोगों से क्या क्या छीना होगा इसका आइडिया भी नहीं है तुम्हें। लेकिन किसी में मुझे चाकू की जरूरत नहीं पड़ी। आई हैव दिस innocent, childlike voice, चाकू से ज़्यादा efficient है। मैंने तो नहीं बाबा, पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने। एक चीटी मारी हो तो बताना। हेमा जी, आप यहाँ क्यों हैं? हाँ, स्वर्ग में होना चाहिए ना? वही मैं भी सोच रही हूँ कब से। शायद हमें वहीं ले जा रहे हो बेटा, वेटिंग रूम होगा ये। क्या? आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं?
मेरे कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग ही मिलेगा ना मुझे। हेमा जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, और ये स्वर्ग तो नहीं लग रहा मुझे। देख सुहास, सबके कर्म एक जैसे नहीं होते। तुमसे हुई होगी कुछ गलतियाँ, उसकी भरपाई होने के बाद तुम भी आ जाना। मुझे मत बताओ कि मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो दुनिया भर के पाप करते हैं और फिर लोगों के अच्छे बुरे का हिसाब लगाते हैं। ध्यान रखना आगे से ऐसा ना हो। हाँ तो कौन शुरू कर रहा है? क्या शुरू करना? कांड बताओ अपने अपने। मेरे बारे में तो सब पता होगा ना आप दोनों को, सब्जेक्ट का प्रोफाइल नहीं देते टॉर्चर करने वाले को। स्टॉप 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 दिस नॉनसेंस। हाँ शक्ल देखिए इस औरत की, ये सोचती है कि ये स्वर्ग के वेटिंग रूम में बैठी है। डू यू थिंक ये टॉर्चर करेगी तुझे? गेट आउट ऑफ योर स्टोरी ओके, और ये बताओ कि ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ हो मेरे साथ। तुम दोनों तो दूध के धुले बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं, मैं खून का धुला हूं। सॉरी, मेरी लाइफ सिंपल सी रही है। ना हम सिंपल होते हैं ना हमारी लाइफ। हर किसी ने कुछ ना कुछ कांड जरूर फॉर गॉड सेक, मैंने जान ली खुद की। इसमें कौन सा कांड जानना है आपको? मां की डेथ हुई थी मेरी, उससे ज्यादा क्लोज नहीं था मैं किसी से। फोर्थ में था तब पापा चले गए थे, इसलिए माँ थी मेरी सब कुछ। मैंने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया सबका कारण माँ थी। और सुमा उसके फ्रेंड के घर गई थी, मैं घर से ऑफिस का काम कर रहा था, कॉलेज गया। उस साल से माँ और मेरे बीच इतनी बातें नहीं होती थी, बट स्टिल शी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। वैसे तो मैं उनको लेने चले जाता, लेकिन दोपहर में ऑफिस का कॉल आ गया था, इसलिए मैंने कहा उन्हें कि ऑटो करके आ जाओ। हाईवे पे ऑटो पलट गया, एक ट्रक पीछे से आया और माँ का पूरा शरीर। रो मत बच्चे, आ आ मेरे पास। इतनी क्लोज थी माँ कि जान दे दी तूने। फिर बहुत दुख हुआ होगा ना बच्चे, ऐसे एक भले भाले दिन माँ का चले जाना। बहुत प्यार करता था ना अपनी माँ से। हाँ। आ बच्चे आ, रो मत। मैं हूं ना, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मैं तेरी माँ बन के प्यार करूंगी ना तुझे, बिल्कुल कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानेगा ना मुझे अपनी माँ? अरे आप तो गले पड़ने लग गई इसके। सहारा दे रही हूँ, बेचारे को इस वक्त माँ की जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखा, अपने बच्चों से भी ऐसे ही पेश आता था क्या, इतनी बेरहमी से? कौन मैं? मैं उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया कभी, वो स्वाति का डिपार्टमेंट था, मेरा काम बस उसे बच्चे पैदा करके देना था। सभी मर्द यही मानते हैं, तुम कुछ अलग नहीं हो। नहीं, मुझे सच में ना शादी में कोई इंटरेस्ट था ना फैमिली बनाने में। एक लड़के के साथ अफेयर था मेरा, मेरे बाप को यह बात पता चली, उसने 2 हफ्तों के अंदर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मुझे सहन नहीं हुआ, मैं शादी के बाद भी लड़कों से मिलता रहा। लेकिन जानती हो सबसे ज्यादा मजा मुझे कब आया था? जिस दिन स्वाति की डिलीवरी हुई थी, उसी दिन हॉस्पिटल में मैंने सब बता दिया उसको। उसके चेहरे पे जो गुस्सा, नफरत और हेल्पलेसनेस दिख रही थी ना, क्या दिन था वो। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा था अपने बाप का? मेरे पापा ऐसे होते तो माँ ने कब का डिवोर्स दे दिया होता। बच्चे इतना आसान नहीं होता, तुझे क्या लगता है स्वाति ने का नहीं सोचा कभी डिवोर्स लेने का? कितनी बार धमकी दी उसने, मेरे बारे में सबको बता देगी, यहां तक कहा था उसने, लेकिन वो नहीं बता पाई। स्वाति जैसी औरतें ना अपना पत्ते आखिर तक छिपा के रखती है, या तो वो अंत में खेल के जाती है या फिर उनके साथ ही मर जाती है। तूने मार दिया अपनी बीवी को? नहीं नहीं, मैंने नहीं, उसने मारा मुझे। शायद मेरा हर वीकेंड एक नए लड़के को घर में लेके आना उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। That's horrible. पिछले वीकेंड मिला नहीं था कोई, सोने से पहले उसने हमेशा की तरह रोना धोना किया कि मैं कितना बुरा हूं, उसकी किस्मत कितनी बुरी है वगैरह वगैरह। वजह याद नहीं, मैं तो सो गया, लेकिन कुछ सीरियस वजह होगी जो वो रात वो उठी और सिलेंडर का नोजल खुला करके वापस आके सो गई।
हम दोनों ही नींद में खलास। और तेरी बेटी? वो तो कुछ सालों पहले गली के किसी लड़के के साथ भाग गई, उसके बाद कोई खबर नहीं। स्वाति मुझे तंग करती थी कि ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। एक दिन मैंने उसको पीट दिया, फिर उसके बाद से कुछ पता नहीं। डोंट नो, डोंट केयर, व्हाटएवर। इतनी हैवानियत मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। थैंक्स। अरे गुस्सा किसे नहीं आता? मुझे भी गुस्सा आता था अपने पति पे, दारू पी के बहुत मारता था, लेकिन मैंने कभी अपनी बच्ची पे नहीं निकाला गुस्सा। वो तो मर गया शराब में डूब के, लेकिन मैंने अकेले अपनी बेटी को अच्छे से पाला, पोसा, बड़ा किया, कॉन्वेंट में भेजा, गाड़ी खरीद के दी, उसकी शादी करवाई अच्छे घर। और फिर मार दिया। किसको? सुनंदा को। हाँ, जब मैं आया था तभी आप किसी सुनंदा से डर रही थी। नहीं तो? झूठ मत बोलो। मैं आया था तभी भी डरी हुई थी कि कहीं सुनंदा ना आ जाए। कौन है सुनंदा? है तो बेटी ही मेरी। जिसको आपने मार दिया? मैंने नहीं मारा। उसकी भी शादी के बाहर अफेयर था इसलिए? मेरी सुनंदा वैसी नहीं थी। फिर क्यों मारा? कार्तिक तू कहाँ है इसकी बातों में? जवाब दो ना हिमा जी। अरे अपने कर्म से मरी है वो, अपने कमियों के कारण मरी है वो, मैंने नहीं मारा है उसे। हाँ मैं रोक सकती थी उसको, लेकिन कारण तो वो खुद है। सहन करने की ताकत नहीं थी उसके पास बिल्कुल भी। अरे छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ती थी किसी से भी। उस रात भी अपने पति से कुछ नोकझोंक हो गई होगी। रात को 2 बजे मेरे घर भाग गए, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बात बात पे भाग के आने के लिए थोड़ी शादी कराई थी उसकी। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माने। डांटा, वो नहीं मानी, बस रोए जा रही थी, मम्मी अंदर आने दो, यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊँगी, आखिरी बार अंदर आने दो, इसके बाद नहीं आऊँगी, ऐसा कह रही थी। मैं नहीं मानी तो धमकियाँ तक देने लगी। मैं जला दूँगी खुद को, फांसी लगा लूँगी, देखना पछताओगी, प्लीज़ अंदर आने दो माँ, प्लीज़ अंदर आने दो, ऐसा कह रही थी मुझसे। उसको सबक सिखाना ज़रूरी था उस समय। मैंने खोला ही नहीं दरवाज़ा, वापस आके सो गई। फिर वो अगले दोपहर उसका शव नर्मदा में मिला। और आप? मैं ये सदमा नहीं सहन कर सकती। देखा कार्तिक? सॉरी, मैंने पूछा कितने हैवान लोग हैं यहाँ पर। देखा, हैवान तुम हो, तुमने सबको दर्द दिया है। मैंने जो भी किया है अपनी बेटी के लिए किया। आते हैं, आते हैं, हम उस पे भी आते हैं। पहले कार्तिक बताएगा कि उसने क्या किया। मैंने सब कुछ बता दिया है। कम ऑन, दुखी होकर कोई सुसाइड नहीं करता बेटे। मेरे सामने झूठ बोलेगा, एक्सपर्ट के सामने? मैंने कहा ना, मैंने उस दोपहर तुम जा सकते थे अपनी माँ को लेने, है ना? उस दोपहर तुम्हारे ऑफिस का कॉल नहीं था, तुमने झूठ कहा। झूठ क्यों कहा कार्तिक तुमने? इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम्हें? हाँ, नहीं थी कोई इंपॉर्टेंट बात। जा सकता था मैं माँ को लेने, नहीं क्या, लेकिन जब पहली बार घर छोड़कर कॉलेज गया तो मैं बहुत ही शांत और शर्मिला था। शर्मिला इसलिए क्योंकि माँ को छोड़ के और किसी से बात करने का तरीका ही मालूम नहीं था। जब कॉलेज गया तो इतने सारे नए लोग से बात करने के इतने सारे तरीके, इन सब में इतना कन्फ्यूज और सहम गया ना कि बात करना ही छोड़ दिया। माँ भी नहीं समझ पाती थी ये बातें, इसलिए उनसे भी बात करना छोड़ दिया। Was I depressed? पता नहीं, ये तो बस नाम दिए हैं हमें। सच तो ये है कि जो मेरे साथ हो रहा था वो मैं कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया, और इसी की वजह से मुझे कुछ लत लग गई पॉर्न देखने की। And also, you know, कॉलेज के दिनों से जो एडिक्शन स्टार्ट हुआ, मैं फिर कभी निकल नहीं पाया उससे। उस दोपहर में मुझे कोई ऑफिस कॉल नहीं आया था, मैं तो अपने बस 2 मिनट के घिनौने सुख के लिए कीड़े की तरह खुश हो रहा था मैं। उधर मेरी माँ। अरे अरे, मेरी अरे माँ। रोते नहीं है बच्चे, मैंने कहा ना कि मैं बनूंगी तेरी माँ। वैसे भी तेरी खुद की गलती नहीं है, बस तुझसे बातें नहीं की किसी ने। अभी मैं हूँ ना, मैं करूंगी ना तुझसे बातें। अरे रोते नहीं है बेटा। इसने कहा ना इसको आपकी जरूरत नहीं है,
इसने सुसाइड कर लिया ऑलरेडी। क्या मतलब है इसका? मैंने सुनंदा को नहीं कहा था खुदकुशी करने के लिए। माना एक पल थोड़ी सी ढीठ बन गई मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बच्चे संभालना नहीं आता है। मैंने हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचा है। जब उसको अंदर नहीं लिया तब भी मैं उसी के हित का सोच रही थी, तुझ जैसे नहीं कि बीवी और बच्ची को बर्बाद करके छोड़ दिया। मैं हूं ही बेशरम क्रूर आदमी, लेकिन मैं मान भी रहा हूं। आप तो क्रूरता करके ढीठ होने का बहाना दे रही हो। अपनी बेटी को अकेले बड़ा करके दूसरे घर भेजने में आपने अपनी जीत मान ली थी। उस पे नहीं, खुद पे घमंड कर रही थी आप कि कैसे आपने दुनिया को कुछ कर दिखाया है। लेकिन जब वो आधी रात आपके घर निकल आई ना, तो आपको ये जीत हार में बदलते हुए नजर आ रही थी। इतने सालों की मेहनत पानी में चली जाती आपकी। आपको लगा आप नहीं मानोगी तो वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन आपके इस झूठे घमंड ने जान ले ली उसकी। आपने जान ले ली उसकी और अभी भी आप मानने को इनकार कर रही हो। तुम मानने को तैयार नहीं हो कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जिनसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सब तेरे जैसे कुत्ते नहीं होते। मुझे नहीं पता कि आप इस जगह को क्यों मानती हो, लेकिन जब तक आप ये नहीं मानती कि आप भी मेरी जितनी ही गिरी हुई हो, मैं ये जगह आपके लिए नरक बना के रख दूंगा। इससे अच्छा खुद ही निकल जाना यहाँ से, तुझे भी शांति मिलेगी और हमें भी। नो, तुम लोगों ने जो जो किया है ना, उसके बाद शांति की उम्मीद रखना तो छोड़ ही दो। और निकल जाओ मतलब क्या होता है? आप रह लेंगे इसके साथ? हमने तो जो किया गुस्से और घमंड में किया है। इसने तो फालतू सी बात के लिए अपनी माँ को ट्रक के नीचे फेंक दिया। इसके साथ रह पाएंगे और मेरे साथ नहीं? हाँ, क्योंकि ये मेरा बेटा है। जो हुआ उसकी गलती नहीं थी, बस हालत खराब थे। अरे वाह, अपनी बेटी को तो नदी में डुबो दिया आपने, और अभी ये ढोंग रचा रही। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं ध्यान ही नहीं दूंगी तुम पे। मान लूंगी कि तुम यहाँ हो ही नहीं, मैं तो बस अपने बेटे से बात करूंगी। कार्तिक इधर आ बच्चे। आप सच में मानती हो कि मेरी कोई गलती नहीं? हाँ बेटा। लेकिन मैंने भी तो अपने बारे में ही सोचा ना। क्या हुआ मैं एडिक्टेड था तो? मैं उस पल में भी अपने माँ के बारे में सोच सकता था, लेकिन नहीं, मैं सेल्फिश हूँ। मैंने खुद की खुशी के लिए सब कुछ किया है और कुछ भी कर सकता हूँ मैं राक्षस हूँ, हैवान हूँ मैं। ये हुई ना बात। देखा देखा है माँ जी, सारी दुनिया मुझे बस यही कहेगी कि मैं हैवान हूँ। लेकिन कोई बस एक, अगर आप मुझे माफ कर दे तो फिर मैं सब पे लात मार दूंगा और मुझे इस नफरत से बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो अभी बच्चे हो, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारी माँ, मैं मानती हूँ ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच में? तुम अपने नशे के कारण नंब तो हुए ही हो, लेकिन डंब भी हो चुके हो। दिख नहीं रहा उनके चेहरे पे कि झूठ बोल रही है वो। उनको तुम्हारा कांड माफ करने से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपना कांड माफ करवाना है। अगर तू कहेगा ना कि उनकी बेटी उनके कारण मरी है, तो वो ये सब नहीं बोलेगी। बिजनेस डील है ये बेटे, कोई माँ का प्यार व्यार नहीं। हिमा जी, क्या ये सच है? कार्तिक कार्तिक, तुम मानते हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? मैं मानती हूँ कि तुम निष्पाप थे, लेकिन तुम्हें भी मुझे यही कहना होगा। अरे मैं सबको अच्छा कहूँ और सब मुझे बुरा कहे, ये नहीं हो सकता। तुम्हें भी मुझे माफ कर देना होगा। देखा, दिस इज डिस्गस्टिंग। तुम दोनों एक नंबर के झूठे मक्कार, सेल्फिश हो तुम। घृणा आ गई मुझे तुम दोनों पर, मुझे रहना ही नहीं यहाँ पर। कार्तिक कहाँ जा रहा है? बेल काम नहीं करती। हाँ तो तोड़ दूंगा दरवाजा, लेकिन यहां से बाहर निकलना है। इतनी सी इंसानियत दिखाने की औकात नहीं तुम दोनों की? दरवाजा खोलो। कार्तिक रुक जा, मैं बिना कुछ मांगे माफ कर दूंगी तुझे, लेकिन रुक जा मेरे लिए, अपनी माँ के लिए। मुझे इसके साथ अकेला छोड़ देगा क्या? आप यहाँ अपने कर्मों से आई है, मैंने नहीं कहा था आने के लिए। क्या क्या कहा तुमने? अभी तुम ही इंसानियत की बात कर रहे थे और अभी इतना दोगलापन दिखा रहे हो। हैवान तो तुम भी हो। ओ गॉड, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे तेल में वाला चलेगा, गरम लोहे से दाग दो सब सहलूंगा, लेकिन ये नहीं, ये लोग नहीं। प्लीज दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खुल भी जाएगा तो कहां जाओगे कार्तिक? तुम अकेले खुद को माफ नहीं कर सकते, किससे माफी मांगोगे? I said open the door please।
खुल गया। अब किसको जाना है और किसको रुकना है? जाओ कार्तिक, सोच क्या रहे हो, जाओ जाओ। एक्चुअली मैं नहीं जाऊंगा। कार्तिक, हम अंदर रुकते हैं और इसको यहाँ से बाहर निकल देते हैं, फिर हम एक दूसरे को माफ कर देंगे। सुहास, सुहास निकल यहाँ से, जा यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? हिमाजी, 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 छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, मैं इन्हीं की वजह से नहीं जा रहा हूँ। ओह रियली, वाओ, व्हाट? बंद करो, बंद करो दरवाजा, गर्मी हो रही है वैसे भी बहुत। झूठ बोलने में, मक्कारी करने में, लोगों को दर्द देने में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं, आपसे ज्यादा सेल्फिश मैं और किसी को नहीं सोच सकता। वो सेल्फ ऑब्सेशन का जहर जो आपके अंदर है ना, आपने खुद देखा है वो, और आपको अच्छे से पता है कि कौन हैवान है और कौन नहीं। राइट राइट, मतलब मुझे और किसी से नहीं, बस आपसे ये सीट चाहिए। एक बार बस आप कन्विंस हो जाओ कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं अंदर से बुरा नहीं हूँ, मैं हैवान नहीं हूँ, बस फिर मुझे शांति मिलेगी। पर क्या तुम कन्विंस कर पाओगे? लिसन, मेरी पूरी लाइफ के बस एक इंसिडेंट पे आप मुझे सेल्फिश नहीं बोल सकते। तुम कभी भी डिसाइड कर सकते थे कि आज से बंद, लेकिन तुमने कीचड़ में के कीड़े की तरह हर बार कीचड़ में ही रेंगने का डिसीजन लिया। ये एक बार की बात नहीं है कार्तिक, तुमने बार बार एक ही गलती दोहराई। हाँ तो कोशिश की थी मैंने, लेकिन मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं था, फिर भी मैं अकेला ट्राई करता रहा, लेकिन कोई नहीं समझ पाया मुझे, और अभी भी नहीं समझ रहा है कोई। मुझे लगा मरने के बाद तो कम से कम टॉर्चर खत्म होगा ये, लेकिन मरने के बाद भी क्यों नहीं मरा मैं? ट्राई करो, मुझे कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है, आखिर मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान ही तो हूं। कोई तो रास्ता होगा कार्तिक, कम ऑन कार्तिक। कार्तिक, एक रास्ता है, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दें, ये इससे देखा नहीं जाएगा, इसका खून खौलेगा। इनको माफ करोगे कार्तिक तुम? क्यों नहीं, हम दोनों को एक दूसरे की गलतियां भुलाते देख नहीं पाओगे? नो कार्तिक, अभी तुमने कहा कि मुझे सब पता है, ये तुम्हें पूरी ऑनेस्टी के साथ कभी माफ नहीं करेगी, तुम्हें पूरी माफी नहीं मिलेगी कभी कार्तिक। कार्तिक, मैं समझती हूँ कि जो भी तुमने किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एक अच्छे लड़के हो। जो लोग तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, प्यार करते थे, उनका खून पिया है तुमने। परिस्थिति तुम्हारे साथ नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे हो या किसी का बुरा चाहते हो। कार्तिक, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी कभी, रास्ते पे मरने छोड़ दिया तुमने अपनी माँ को, खून किया है तुमने अपनी माँ का। उसकी तरफ ध्यान मत दे, इधर देखना तू। सॉरी अम्मा जी, लेकिन जब तक ये इंसान यहाँ रहेगा ना, मैं आपको माफ कर पाऊंगा ना खुद को, किसी को कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा है तो ठीक है, अगर मैं अब तक खूनी नहीं थी तो अब बन जाती हूँ। हैवान, राक्षस, मार डालूंगी मैं तुझे। हंस क्यों रहा है? मुझे मार के क्या करोगी? मैं मर ही नहीं सकता, हम में से अब कोई नहीं मर सकता, हम सब मर चुके हैं ऑलरेडी। We are dead. हम मर चुके हैं। Yes, we are dead, dead, dead. हम मर चुके हैं और हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे बंद है एक रूम में तीनों, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। Ha 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 ha